हे गई स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में तो गई अगर आपके एलिमेंटर में आपकी वेबसाइट में मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड काम नहीं कर रहा है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे जो हम टेम्पलेट लगाते हैं अगर वो टेम्पलेट भी गई यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके आपको इन टेम्पलेट को सेव करना है एंड कैसे आपको अपने वर्ड वेबसाइट में मोबाइल मोड में आपको डिजाइन करना है यानी कि गए यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके लिए गए यहाँ पे हमें कुछ लेग को इंस्टॉल करना होगा यहाँ पर गई कुछ

जिससे गैज यहाँ पे हमारी वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करती है तो गई जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया एलिमेंटर अब एलिमेंट से रिलेटेड गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगिन शो हो जाते हैं तो फर्स्ट गाइज आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है एसेंशियल एडोन फॉर एलिमेंटर गाइज इस प्लगिन को आपको यूज़ नहीं करना ये गैस काफ़ी हैवी प्लगिन है अगर आप इस प्लगिन को यूज़ करते हैं तो आपके वर्ड वेबसाइट में आप जो जिस पेज को आप डिजाइन करते हैं गैज उस पेज में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है और उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एक प्लगिन और है स्टार्टर टैंपलेट करके इस प्लगिन को भी आपको यूज नहीं करना है और उसके बाद पे हैप्पी फॉर एलिमेंटर इन तीन इन को आपको यूज नहीं करना है अगर आप इन प्लेगिंग को यूज करेंगे तो गैज आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ सकती है तो सिंपल से आपको क्या करना है इनको अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको अनइंस्टॉल करना है उसके बाद गैज आपको यहां पर पेजेस में जाना है ऑल पेज में आपको जाना है उस पेज को आपको एडिट करना है जिस पेज पर आप डिजाइन करने जाते हैं तो जैसे गैज मुझे इस पेज को यहाँ पे एडिट करना है तो एडिट विद एलिमेंटर में यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद गैस अब यहां पर हमारा पेज ओपन हो जाता है अब ओपन होने के बाद गए हमें करना है यहाँ पे मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड में अगर गए आप इन प्लगइन का यूज करते हैं तो आपका चाहे मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड की बात करें चाहे डेस्कटॉप की बात करें कहीं पे भी काम नहीं करेगा तो हमें क्या करना ग्याज़? यहाँ पे इस पर आपको दिखा जाएगा रिस्पॉन्सिव मोड लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखा जा रहा है डेस्कटॉप है टैबलेट है एंड यहाँ पे मोबाइल डिवाइस है तो आपको मोबाइल पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद गए अब यहाँ पे मोबाइल डिवाइस के लिए हमारा यहाँ पे टैबलेट ओपन हो जाता है अब इनको आप यहां पे एडिट कर सकते हैं ठीक है जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप में करते हैं सेम कंडीशन वैसे यहाँ पे भी है आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नया टैंपलेट ऐड करना है और उसको सेव करना है क्योंकि यहाँ पे नए टैंपलेट अगर आप ऐड करेंगे तो सेव नहीं होता है इसलिए मैंने आपको बताया कि वो आपको तीन प्लग को यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है तो यहाँ पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा अब क्लिक करने के बाद गए यहाँ पे इंसट टैंपलेट में क्लिक करूंगा और हमारा यहाँ पे टैम्पलेट अपने वेबसाइट में आ जाएगा जिस पेज को हम डिजाइन कर रहे हैं

डायरेक्टली गाइज आप इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं तो आई होप कि गैज आप लोगों की छोटी सी प्रॉब्लम आपकी हेल्प हो गई होगी एंड आपके समझ में भी आ गया होगा कि हमें कौन से प्लगइन यूज करना है ना कौन से प्लगइन आपको यूज नहीं करना है जिससे आपकी वेबसाइट में मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड यहाँ पे ठीक हो सके तो गैज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी guys, आपको सब्सक्राइब कर देना है एंड और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए guys, आपको अपना ध्यान रखना है जय हिंद वंदे मातरम